बात बीजेपी को देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की लहर है एकदम ललकार के बीजेपी को डिग्री है जीत। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आ चुके हैं बिहार में और बिहार के काराकाट क्षेत्र में। और दोस्तों आज हम पता करते हैं लोगों से, लोगों का मूड क्या है, कि वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा या राजा राम को। चलिए आइए आज युवाओं से बात करते हैं, उनके क्या मत है, उनके क्या विचार है। तो भैया आज पावर स्टार पवन सिंह आए थे यहाँ पर, अभी रैली किए थे, तो क्या आप लोगों का विचार है, आप किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं, विधानसभा से और लोकसभा क्षेत्र से हम लोग बिलोंग नहीं करते, इसी कारण। अच्छा, सारे नेता यहाँ के चोर हैं, एक भी नेता काम नहीं कर रहे। पावर स्टार अभी तो नए आए हुए हैं, अभी वो कैसे चोर हो सकते हैं? पावर स्टार परमानेंट चोर है, तभी पावर स्टार बने ही है। इस बार किस पार्टी में अगर गए, किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब उस चोरों का अड्डा को तभी कोई ज्वाइन कर सकता है जब वो खुद चोर हो। वो इस बार तो निर्दलीय लड़ रहे हैं बिहार से, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनका बिकेगा सीट और कुछ नहीं होने वाला है, और सीट खरीदने वाले बीजेपी होंगे। तो चोरों का सरदार चोरों को घुमा रहा है, निर्दलीय घुमाए, सबको आना तो साथ ही है। इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? अब कह तो दिए कि हमारा वोट हर बार भाजपा को। दोस्तों यहाँ पर हर बार भाजपा को लोग वोट दे रहे हैं। चलिए आइए किसी और से भी बात करते हैं। तो चाचा जी, आप इस बार लोकसभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पर? जैसा कि यहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह निर्दलित चुनाव क्षेत्र के मैदान में उतर चुके हैं और लगातार यहाँ पर रैलियाँ पर रैलियाँ किए जा रहे हैं, तो क्या आपका विचार है, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? माले को वोट करने जा रहे हैं। किसको? माले को, राजा राम सिंह। अच्छा, तो पावर स्टार को मौका नहीं देंगे? हमारे देखने में वो अच्छा है, माने स्टार जो है अभी तो वो सिनेमा स्टार है, वो अभी विकास में अभी कहाँ विक्रमज में नहीं उतरे हुए हैं, अभी फर्स्ट बार आए हैं जी। तो हम सोच रहे हैं कि अभी माने जो विकास दर पुरुष है उसी को वोट देंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों के कई मत हैं, आइए हम चलिए और किसी से बात करते हैं। लोगों का अपना मतलब कि महागठबंधन से भी लोगों का मत है, बीजेपी के लिए भी लोग मत है। आइए आशीष भाई, हम किसी और से भी बात करते हैं, लोगों का बारे में जानते हैं। तो चाचा जी बताइए, आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं यहाँ पर? हमारा वोट यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं, चाचा जी का यहाँ पर नहीं। चलिए आइए हम किसी और से भी बात करते हैं। तो आइए आज भैया से बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो कि एक मशहूर हो गया है। अच्छा भैया, भैया कह रहे हैं हम गाड़ी ड्राइवर है, तो चलिए कोई बात नहीं, किसी चाचा से बात करते हैं। चाचा जी दो मिनट समय दीजिए। तो चलिए चाचा जी भी चल दिए, चलिए आइए किसी और से बात करें। आशीष भाई, यहाँ पर लोगों की जो मूलभूत चीजें हैं, लोगों को वो भी नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें सिर्फ पावर स्टार चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं। चलिए महिलाएं से बात करते हैं। तो इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में? पावर स्टार पवन सिंह, जैसा कि इस बार चुनाव लड़ रहे काराकाट से, तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? पवन सिंह। पवन सिंह को? हाँ। तो पवन सिंह से क्या चाहते हैं आप, कि पवन सिंह क्या करें? दोस्तों लोग खुश हैं कि पवन सिंह को ही वोट देंगे। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ पर भी शॉप पर भी लोगों का मत जानते हैं, क्या है उनका मत। तो भैया इस बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? पावर स्टार पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह को ही वोट क्यों दे रहे हैं, उनसे आपकी क्या मांग है? क्योंकि यहाँ जातिगत अब चुनाव हो गया है जी। हाँ, इसीलिए। और बड़ी बात यह भी है कि पहली बार ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बन चुका है, लोग जान चुके हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र का है। इंडिया में लोग जान रहे हैं इसको, हॉट सीट हो गया है जी। बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र हर एक बच्चा बच्चा के नाम पे है, पावर स्टार पवन सिंह के ही नाते। तो अच्छा दोस्तों, आप सुन सकते हैं कि पावर स्टार के यहाँ जबरा फैन लोग हैं, तो आपसे उनकी क्या मांग है, वो क्या करें? वो खुद जीतेंगे तो मांग पूरी कर देंगे। फिर भी आप बोले हैं कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर भी आप एक युवा हैं, आपकी एक सोच होगी, अभी इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने क्या नहीं किया, वो आप क्या मांग? बहुत कुछ नहीं किया, गिनने से गिनाएगा नहीं। अच्छा भैया, आपकी क्या मांग है पावर स्टार कौन से? अभी उनको आप विजय हो जाने दीजिए, इसके बाद। तो यहाँ पर दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह के सब चाहने वाले हैं, उन्हीं को वोट देंगे। आज जन सैलाब से पता लग जी होगा, भैया ने कहा कि आज जन सैलाब से पता चल ही गया है कि यहाँ पर कितने ज्यादा भीड़ उमड़ चुकी थी। और चलिए हम किसी और से भी बात करते हैं। लोगों का यहाँ पर ऐसा मानना है कि इस बार पावर स्टार पवन सिंह को ही मौका मिलेगा और उनकी जीत तय है। और दोस्तों इस बार के लोकसभा क्षेत्र में
काफी लोग पावर स्टार पवन सिंह की तरफ ही जा रहे हैं और उनका जो एक माहौल बना हुआ है वो उसी में लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर अभी देखा कि लोग पावर स्टार पवन सिंह के एकदम लोग कह रहे हैं इस बार हम उनको मौका देंगे। चलिए आइए किसी और से भी बात करते हैं। तो चाचा जी, आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? और तो बीजेपी के बोलबाला। बीजेपी के बोलबाला, तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे रहे हैं? वो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। जी जी, पवन सिंह की भी वोट मिलेगा। अच्छा, पवन सिंह का भी है लहर। जैसा कि आज पवन सिंह की रैली थी और पवन सिंह लोगों से वादा कर रहे हैं तरह तरह का, हम ये करेंगे, आपके बेटे हैं, ऐसा? हाँ जी, तो बढ़िया बात है जी। तो यहाँ पर बीजेपी की भी लहर है। आइए हम चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी, आज इस बार लोकसभा क्षेत्र काराकाट मशहूर हुआ है पवन सिंह के नाम से। आज उनकी रैली थी, उन्होंने लोगों से वादा किया अगर हम सांसद बनते हैं तो हम सांसद नहीं बनेगा, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जन जन सांसद बनेगा। तो क्या है इनमें सच्चाई, आप किसको इस बार वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की लहर है एकदम ललकार के, बीजेपी को डिग्री है, जीत है जी। उपेंद्र कुशवाहा को आप वोट देंगे? जो बीजेपी से आएगा उसको देंगे। अच्छा, चाहे वो जो हो। चाहे जो हो जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के चाचा जी कह रहे हैं वोट देंगे बीजेपी का, चाहे जो उपेंद्र कुशवाहा हो या वो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोदी जी के चाहने वाले हैं कि कोई भी हो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।